गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज अपन पढ़ेंगे विषय गणित, कक्षा दूसरी। पाठ का नाम है क्या है लंबा, क्या है गोल। नाम बताओ। बच्चे अपने मीकू चाचा को बहुत प्यार करते हैं, वह रोज़ उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपने थैले में तरह तरह की चीज़ें रखी है। खेल है नाम बताओ। मीकू चाचा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और वे रोज़ उनके साथ खेलते हैं। आज उन्होंने अपना एक थैला है जिसमें तरह तरह की चीज़ें रखी है और वो बच्चों के साथ खेल खेल रहे हैं और खेल का नाम है नाम बताओ। मीकू चाचा अपना हाथ थैले में डालते हैं। टीम ए गाना गाती है। यहाँ टीम ए है और टीम बी है। टीम ए गाना गाती है। आँखें नीचे पता लगाए, हाथ से छुए और बताए, छूने में कैसा जरा बताए, हम नाम बताए खेल जीत जाएं। फिर चाचा बोलते हैं एक छोर नुकीला, एक छोर इसका होगा नुकीला, ठीक है, एक छोर इसका होगा नुकीला, दूसरा छोर चपटा, दूसरा इसका छोर होगा चपटा, पाइप की तरह गोल होगा, पाइप की तरह ये गोल होगा, ठीक है। क्या है तोल मोल के बोल। अब बताइए ये क्या चीज़ बन गई ऐसी। टीम ए कहती है ये हो गई पेंसिल। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो, क्यों ना तुम मीकू चाचा के सवाल का कोई अलग जवाब सोचो, कोई अलग चीज़ तुम सोच रहे हो क्या हो सकती है, तो यहाँ बताएं। अब टीम ए की बारी है छूकर पता लगाने की। वे गाते हैं छूने में कैसा जरा बताएं, नाम बताएं खेल जीत जाएं। टीम ए का बच्चा अपना हाथ थैले में डालता है। टीम ए के दूसरे बच्चे को पता लगाना है, क्या तुम उनकी मदद कर सकती हो। एक तरफ से गोलम गोल, ना कोई कोना ना कोई छोर, हाथ में अपने इसे घुमा लो, चाहे तो इसका लुढ़का लो, सोचो तो क्या है, क्या हो सकती है ये चीज। ये हो सकता है सिक्का। इसको आप गुड़का भी सकते हैं, ठीक है। यह खेल तुम अपनी कक्षा में खेल कर देखो। तुम इसे टीम बनाकर भी खेल सकते हो। तरह तरह की चीज़ें एक थैले में डालो। एक बच्चे की आंख पर पट्टी बांधो, वह अपना थैले में डालेगी। अब उसे बताना यह है कि थैले में पकड़ी चीज़ छूने में कैसी है। टीम के बच्चे को उस चीज़ का नाम बताना है, ठीक है। आइए नीचे। पोस्ट कार्ड कितना मजबूत है। एक पोस्ट कार्ड को एक कोने से पकड़ो। अगर तुम उस पर एक किताब रखो तो वह क्या किताब का भार उठा सकती है। एक कागज पे अगर अपन एक किताब रखते हैं, किताब भारी होती है, कागज हल्का होता है, तो क्या वह किताब का वजन उठा सकती है। नहीं। अब ये करके देखो। पोस्ट कार्ड को गोल मोड़कर एक पाइप सा बना लो। टेप से दोनों मुड़े हुए छोर जोड़ दो। अब इस पर एक किताब रखो। क्या पोस्ट कार्ड उसका भार उठा सकती है। अब देखो पोस्टकार्ड ने कितने किताबों का भार उठा लिया है। पहले वो एक कागज़ था तो वो भार नहीं उठा सकती थी, ठीक है। बाद में वो एक स्टैंड की तरह बन गया। जब अपन ने उसको घुमा दिया तो एक स्टैंड की तरह बन गया। वो खुद एक जगह खड़ा हो सकता है, तो अपन उसके ऊपर भार रख सकते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट बच्चे कक्षा में गोल घेरे में बैठे हैं। वे इस खेल को खेल रहे हैं और गा रहे हैं। क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। रीना कहती है बल्ला लंबा, गेंद है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। सभी बच्चे गा रहे हैं। क्या है लंबा, क्या है गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। मीनू कहती है बोतल लंबी, ढक्कन गोल, जल्दी बोल जल्दी बोल। और इस तरह से खेल चलता रहता है। क्या लुढ़का, क्या खिसका। चित्र को देखो। पार्क में कुछ बच्चे चीज़ों को लुढ़का रहे हैं और खिसका रहे हैं। ये एक पार्क है, यहाँ पे बच्चे कुछ चीज़ें लुढ़का रहे हैं, कुछ खिसका रहे हैं। ये देखो ये इस पे खिसक रहा है, ठीक है, ये इस पे खिसक रहा है, ये इसको खींच रहा है, खिसका रहा है, ये इसको गुड़का रहा है और ये इसको खींचा जा रहा है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है और कुछ जिन्हें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीज़ें लुढ़क भी सकती है और खिसकाई भी जा सकती है।
अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो, नीचे लिखो। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लुढ़क सकती है? गेंद हुई, बोतल हुई, पेंसिल हुई, लोटा हुआ, लड्डू हुआ। चीज़ें जो खिसकाई जा सकती है, सिक्का, स्केल, प्लेट, पैन, माचिस की डिब्बी। और चीज़ें कुछ ऐसी जो लुढ़काई भी जा सकती है, खिसकाई भी जा सकती हैं, गेंद, बोतल, चकला, गिलास, चूड़ी। इनके अलावा बच्चों, आपको कुछ और चीज़ें ऐसी पता हैं जो खिसकाई जा सकती हैं, लुढ़काई जा सकती हैं, या खिसकाई या लुढ़काई दोनों की जा सकती हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अपना छोटा सा पेट बनाइए। एक कागज़ लो, इसे मोड़ कर एक पाइप बनाओ। तुम्हारा कागज़ का पाइप देखने में कुछ ऐसा लगेगा। इसे गोंद या टेप से चिपकाओ। एक प्लेन कागज़ लेंगे, उसको घुमाएंगे तो वो घूम के पाइप जैसा बन जाएगा। अब इसके इस जगह को टेप या गोंद से चिपका देंगे। फिर कैंची से कागज़ के इस पाइप के एक छोर को 7 या 8 जगह काटो। फिर इस गोल पाइप को यहाँ तक, पूरा नहीं, यहाँ तक 7 या 8 जगह से बराबर इसको कैंची से काटना है। काटे हुए कागज़ के सिरे को नीचे की ओर मोड़ो। जो अपन ने काटा है उस चीज़ को, उस जगह से इसको नीचे की ओर मोड़ो। तुम्हारा अपना पेट तैयार है। इसमें रंग भरो। रंग भरने के बाद वो अपना पेट ऐसा दिखेगा। ठीक है। मेरी मीनार सबसे ऊंची। क्यों ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाएं। देखते हैं कौन सबसे ऊंची मीनार बनाता है। मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी। अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करो, जैसे तरह तरह के डिब्बे, गेंद, रबड़, माचिस की डिब्बियाँ आदि। अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपनी मीनार बनाएं, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के डिब्बों से। अब एक साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल कर मीनार बनाओ, जैसे जूतों के डब्बे हो गए, टीन के डब्बे हो गए एक साथ, या फिर गेंद, माचिस की डिब्बियाँ एक साथ, कुछ भी लेके मीनार बना सकते हैं। सिक्कों का खेल। इन्हें अपने सिक्कों से करने की कोशिश करें। ठीक है। सिक्के को इस तरह से पकड़ें, सिक्के को घुमाएं। क्या ये गेंद की तरह दिखता है? क्या ये गेंद की तरह दिखता है? नहीं। ठीक है। क्या सिक्का लुढ़कता है? क्या यह खिसकाया जा सकता है? करके देखो। सरकाया जा सकता है, खिसका सकते हैं अपन उसको। क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हैं? नहीं। खड़ा करेंगे उसको, अगर जब तक अपन पकड़ के रखेंगे वो खड़ा रहेगा, जैसे ही अपन उसको छोड़ेंगे वो गिर जाएगा। अब इसे 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के के साथ करने की कोशिश करें। यहाँ अपन ने 1 रुपए के सिक्के के साथ किए, आप 2 और 5 के सिक्के के साथ भी ऐसे करने की कोशिश करें। कैसा लगा आप सबको ये वीडियो बच्चों? ध्यान से इसे देखें और बताएं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।